वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, हर साल अक्टूबर के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक काफ़ी शहरों में, काफ़ी गांव में और घर के सभी सदस्यों को डेंगू बुखार हो जाता है, जिससे भाइयों काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी मरीजों को डेंगू बुखार में अस्पताल में भर्ती होने वाले लक्षण आते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे मरीज होते हैं जो अस्पताल में भर्ती नहीं होते हैं, बल्कि वो घर पर ही इलाज कराते रहते हैं, जिसकी वजह से डेंगू बुखार के बिगड़ जाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू बुखार में कब अस्पताल में भर्ती होना और कितनी जरूरी होता है। भाइयों, इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। भाइयों, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है और आपके नाक से, मसूड़ों से, पेशाब में और मल में खून आने लग गया है और आपको खून की उल्टी होने लग गई है, तो भाई आपको तुरंत ही किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। घर पर इलाज बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। भाइयों, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है और आपको खाने पीने की इच्छा नहीं होती है और आपको उल्टियां आती हैं और आपकी उल्टियां बंद नहीं हो रही हैं, भाइयों आपको तुरंत ही किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। घर पर इलाज बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। भाइयों, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है और आपको पेशाब नहीं आ रहा है, भाइयों आपको तुरंत ही किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। घर पर इलाज बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। भाइयों, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है और आपकी प्लेटलेट्स 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में आ गई हैं, भाइयों आपको तुरंत ही किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। घर पर इलाज बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। भाइयों, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है और आपने अपनी प्लेटलेट्स चेक कराई हैं, पहले दिन आपकी प्लेटलेट्स 1,00,000 हैं और अगर आप दूसरे दिन अपनी प्लेटलेट्स को चेक कराते हैं और आपकी प्लेटलेट्स 40,000 से 50,000 एकदम में ही कम हो जाती हैं, भाइयों आपको तुरंत ही किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। घर पर इलाज बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। भाइयों, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है और आपने बुखार को कम करने के लिए दवा खा लिया है और आप ताजे पानी की बुछाई भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, तो भाइयों आपको तुरंत ही किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। घर पर इलाज बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। भाई, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है और आपके पेट में भयंकर दर्द होने लग गया है और वो दर्द बंद नहीं हो रहा है, तो भाइयों आपको तुरंत ही किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। घर पर इलाज बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। भाइयों, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है और आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 100 से कम हो गया है, तो भाइयों आपको तुरंत ही किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। घर पर इलाज बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। भाइयों, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है और आपको सांस लेने में परेशानी होने लग गई है, तो भाइयों आपको तुरंत ही
किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए, घर पर इलाज बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। तो भाई, अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है और आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, तो भाई आपको तुरंत ही किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए, घर पर इलाज बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।